किसानों का संदेह जो है वो जायज है या फिर नहीं आप लोगों को लेकर संदेह अब मैं क्योंकि अहम मुद्दे पर आ रहा हूं सबसे अहम मुद्दा है इस पूरे मैं ये पूछना चाहता हूं संदेह है किस बात पे ये बताइए संदेह है किस, किस, संदे बात किस बात का संदेह किस बात का है सवित मलिक साहब संदेह किस जार? बात का है सुन लीजिए प्लीज प्लीज मैं सवित भाई एक टॉपिक उठा रहा हूं क्योंकि आप तमाम न्यूज चैनल पर बैठते हैं और बहुत बड़े बड़े राष्ट्रित वाले चैनल हैं वो है ना राष्ट्रित वाले टकरा दो लड़ा दो भिड़ा दो और ये भी लड़ रहा है वो भी लड़ रहा है जो सवाल नहीं पूछते हैं वहां पर एक मंच पर एक सवाल उठा लेना अगर इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया जाता स्टैंडिंग कमेटी के पास, भेज दिया गया होता तो संसद की जो कमेटी है वो किसानों से बातचीत करती कानून सुधार और संशोधन की बात होती तो आपको लगता कि रास्ता निकल सकता था यह बहुत वैलिड पॉइंट है जो मैंने उठाया इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके आगे परिपेक्ष में आपको बताऊंगा स्टैंडिंग कमेटी के पास पहला पॉइंट स्टैंडिंग कमेटी पंडित जी स्टैंडिंग कमेटी के पास अगर यह बिल चला जाता तो आपको लगता कि समस्या का समाधान हो जाता तिलक भाई ये बताइए जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी जो कमेटी देश की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी को गठित किया था इन्होंने क्या उस कमेटी को माना आप बताइए माना उस कमेटी को बिल्कुल नहीं माना ना मैंने कहा ये संसद की प्रक्रिया होती है या उल्लंघन हुआ कि नहीं? नहीं, नहीं 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 मैं नहीं, मैं, मैं बहुत सोच समझ हूं संसद की प्रक्रिया नहीं नहीं कोई जो वोटिंग हुई सब कुछ हुआ कहाँ उल्लंघन हुआ बताइए संसद की प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ उसमें सब कुछ हुआ सारी किसान, किसान सड़कों पर थे आप मुझे बताइए किसान जो जिस कानून के पास नहीं भेजा जी जिस कानून के लिए सरकार किसान सड़क पे तो बैठा था जब वो कानून सरकार ने वापस ले लिया तो फिर क्यों नहीं गए फिर जाना चाहिए इनको घर तालाबंदी के बीच जब तालाबंदी थी तालाबंदी के बीच में किसानों से बातचीत किए बिना आप अध्यादेश ले आए क्यों क्यों तालाबंदी थी किसानों से कोई बातचीत नहीं हुई आप अध्यादेश ले आए मनोज पंडित जी क्यों आप पूछ लीजिए फिर मैं इकट्ठा बताता हूँ नहीं नहीं मैं आपको बता रहा हूं सर आगे इसके पीछे सवाल है मैंने कहा ना मैं एक एक, एक सवाल का आधार है सभी भाई गलत बोलूंगा तो बता देना मुझे पॉइंट उठा रहा हूं वैलिड तमाम न्यूज चैनल पर बैठते हैं ना आप वहां पर यह पॉइंट उठाना इनसे पूछना बताओ भैया तालाबंदी थी किसानों से बातचीत नहीं हुई आप अध्यादेश क्यों लेकर आए वजह तिलक भाई इसकी तो इसकी प्रक्रिया तो पहले से चल रही थी ना तो? सब प्रक्रिया पहले से चल रही थी मैं बताता हूं ना सर मैं बताता हूं आपने कहा ना प्रक्रिया पहले चल रही थी अध्यादेश कब लाया जाता है जब किसी कानून की अत्यंत आवश्यकता होती है अत्यंत अवश्य अत्यंत आपातकाल की स्थिति आपातकाल अब अनुच्छेद 123 लिख लीजिएगा जफर साहब भावेश भाई अनुच्छेद 123 जी जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश पर हस्ताक्षर तभी करते हैं जब कोई आपात स्थिति होती है जब कोई आपात स्थिति होती है और ये आपात स्थिति अगर संविधान के छात्र हैं उनको ज्यादा दिलचस्पी होगी इसमें आपात स्थिति तब होती है जब संसद का सत्र बहुत दूर होता है कानून की आवश्यकता तब होती है मनोज भाई गलत तो नहीं हूं मैं अध्यादेश नहीं, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल एक सेकंड भावेश भाई एक सेकंड ज्यादा स्थिति मैं आ रहा हूं प्लीज मनोज पंडित जी है ना एक सेकंड एक सेकंड मनोज पंडित जी रख सकते हैं आप आप राजनीतिक विशेषक तो हैं आप उसी भूमिका में रहिए मनोज पंडित जी की बात सुन लीजिए सेकंड मनोज पंडित जी मैं गलत कह रहा हूं इसकी प्रक्रिया तो ऑलरेडी क्या है आप देखिए जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी से रिपोर्ट आने के बाद ही सब चीजें हुई ना नहीं कमेटी तो बाद में स्टैंडिंग कमेटी के पास तो गया ही नहीं है ना मैं ये कोई कमेटी बनी नहीं अध्यादेश एक सेकंड अध्यादेश तभी लाया जाता है जब आपात स्थिति होती है और अनुच्छेद 123 यही बताता है कि आपात स्थिति होगी तभी आप अध्यादेश लेकर आएंगे तालाबंदी किसानों से बातचीत आप अध्यादेश संसद का सत्र आहूत नहीं किया बहुत दूर था इसलिए लाया जाता है अध्यादेश अब बताइए किसकी नियत में खोट था तो नियत में खोट नहीं था चीजें सब ठीक थी सब चूंकि हम लोग समझा नहीं पाए किसानों को अच्छा या ये बरगलाने में कामयाब हो गए अच्छा तो उस चीजें रह गई अच्छा। तीस तो 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 दिसंबर को छह दौर की बातचीत के बाद क्योंकि तीस दिसंबर को छह दौर की बातचीत के बाद सरकार ये मान चुकी थी कि बिजली संशोधन विधेयक में बदलाव नहीं होगा बिल्कुल आज तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ क्यों जब बाकी प्रक्रिया पूरी हुई नहीं उसमें नहीं तो आपने कहा ना बताइए दिसंबर को आपने ये कमिटमेंट की थी ना इसे? परारी जलाने वाले और बातचीत में आपने आपने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तिलक जी जो परारी धोखा कौन दे रहा है जो परारी जलाने वाला था और ये बिजली संशोधन जो था ये सारी चीजें ठीक थी पर लेकिन दो बातों पर सहमति बनी बाकी पे नहीं बनी। दो पर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ नहीं नहीं ऐसे के जब सारा मुद्दा नहीं खत्म होगा मुद्दा दो कैसे के तो मुद्दे तो बताइए जब कानून वापस उसमें तो नहीं लिखा ना एमएसपी नहीं लिखा ना पूरे कानून में नहीं लिखा एमएसपी है ना सर तो सरकार कह रही है कौन एमएसपी की तो बात तो फिर अलग हो जाएगी ना मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सर जब आपने कमिटमेंट कर दी तो आपने नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया मैं तो उस 30 दिसंबर की बात कर रहा हूं सर अभी किसानों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं लगातार सवित भाई एक सेकेंड अभी एक और पॉइंट है नहीं ना अब मैं आपसे आगे आ गया रहा हूं पंडित जी तीस जनवरी को देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक फोन कॉल की दूरी हम गुप्तकार गैंग गुप्तकार गैंग वही जो हमारे देश के गृह मंत्री जी ने कहते हैं गुप्तकार गैंग है उनसे बातचीत करते हैं उनको देते हैं, उनको टेबल पर बुलाते हैं दूसरा अच्छी बात है जब कोई मेडल जीतता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उनकी हौसला अफजाई करते हैं आपने एक बार भी 30 तारीख 30 जनवरी के बाद इनसे बातचीत क्यों नहीं की? किससे बात करें बताएं? किससे बात करें किससे बात कर रहे कमेटी में 40...

तिलक जी आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाए हैं इनके पास कोई जवाब नहीं है, जी, आप लोगों को है जो सात किसान शहीद हुए होने जा रहा है संसद के सत्र शुरू होने से पहले इन किसानों को संसद के भीतर श्रद्धांजलि दी जाए बिल्कुल बिल्कुल प्रयास करेंगे ऐसा नहीं है प्रयास नहीं मैं रहा सात सौ की बात तिलक भाई अगर एक भी किसान गया है तो उसका भी सरकार को अफसोस है क्योंकि हम नहीं चाहते हर आदमी इस देश का नागरिक है चाहे वो किसान हो चाहे मैं हूं आप हो चाहे पत्रकार हो हम सब अच्छा, का तो हाथ आज, 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 आज रहे न, किसान, थे। नहीं, नहीं, किसान सारे लोग किसान कहा थे अच्छा, लोग किसान नहीं थे कुछ किसान थे कुछ नहीं आप थे अपना सर्टिफिकेट देंगे कौन किसान सर्टिफिकेट नहीं हमारे पार्टी को नक्सलियों की बात मानी खालिस्तानियों की बात, नहीं है। बात नहीं नहीं हमने तो किसानों की बात मानी है किसानों की है? सरकार ने तो है बात मानी है चाहे आपके सपोर्ट में कोई भी आया हो चाहे आपके सपोर्ट में कोई भी आया हो कानून किसान के लिए बना था सरकार ने किसान के लिए जो कानून बना था वही वापस लिया एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक मैं आगे बढ़ रहा हूँ एक सेकंड अच्छा ये जो तपस्या थी तपस्या तपस्या सुन रहे मेरी बात पंडित जी ये तपस्या किसानों ने की या देश के प्रधानमंत्री जी ने जो रोड पर बैठे थे ये तपस्या किसकी थी तिलक भाई तपस्या तो सभी की थी सभी की सरकार थी। की भी थी।, थी किसान की भी थी जो उस हाईवे से निकलने वाले लोग थे उनकी भी तपस्या अच्छा थी। बैल कितना भी अड़ियल क्यों ना हो बैल कितना भी अड़ियल क्यों ना हो क्योंकि आपने कहा ना ये लोग सत्ता में होते हैं तो कुछ और विपक्ष में होते हैं तो कुछ और बैल अड़ियल कितना भी क्यों ना हो किसान जानता है कि उससे खेत कैसे जुतवाना है किसान जानता है उस अड़ियल वहल से एक कैसे जुतवाना है तिलक जी जहां आप इशारा कर रहे हैं बिल्कुल सही इशारा कर रहे हैं चलो सुन लो सुन लो चलते चलते एक कमेंट आया फेसबुक पर आपके लिए आया पंडित जी आटा महंगा आटा महंगा मोबाइल का डाटा महंगा जीवन बीमा महंगा जीवन जीना महंगा कपड़े महंगे जूते महंगे महंगी सब्जी दाल मतलब ये कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा टमाटर भी नहीं खाने दूंगा बिल्कुल सही कहा बिल्कुल सही <laughs> मुस्कुरा रहे पंडित जी। थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया आप